हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स जो क्लास टेंथ सीबीएसई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपका 18 मार्च को जो एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो इसमें हम पूरा हिस्ट्री बुक का डेट का रिवाइज करेंगे और सीखेंगे भी। तो पहला चैप्टर था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो सबसे पहले है 1797 में नेपोलियन वार बिगिंस। उसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। फिर 1804 में नेपोलियन कोड हुआ। आप लोग ना क्या करेंगे, इस डेट्स को याद रखने के लिए एक सीरियल वाइज लिखेंगे सारा डेट्स को। जैसे 1797 पहले हुआ इस चैप्टर में, फिर 1789, फिर 1804। एक मैनर में रहेगा तो याद करने में बिल्कुल आसानी होगा। नेपोलियन कोड जो आया था कितना में, 1804 में। उसके बाद 1814 में जो है नेपोलियनिक वार, फेल्स ऑफ नेपोलियन, मतलब नेपोलियन यहाँ पर, नेपोलियन का राज 1814 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद 1815 में वियना कांग्रेस टुक प्लेस। वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 में। उसके बाद 1821 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ ग्रीक अगेंस्ट ऑटमन एम्पायर, ग्रीक का जो है ऑटमन एम्पायर के खिलाफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था। उसके बाद 1846 में अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड 1846 में। फिर 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली कितना हुआ, 1859 में। 1863 में पॉलिश नेशनल रिवोल्ट कितना में हुआ, 1863 में। फिर 1866 में जो हुआ यूनिफिकेशन लेड बाय ऑटमन वॉन बिस्मार्क। उसके बाद 1867 में ऑटोनोमी इस्टेब्लिश इन हंगेरी। दोस्तों देखिए, सारा डेट को हमने जो है एक रेगुलर मैनर में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिखा है। आप लोग को भी याद रखना है तो ये डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सारे को एक रेगुलर मैनर में लिखेंगे तब याद रखने में आसानी होगा, नहीं तो इतना सारा डेट्स है याद रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। इससे भी पहले आप लोग पढ़ के आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेट्स आपको याद भी होगा। 1905 में क्या हुआ था, स्लैव नेशनल गैदर्स फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ऑटमन एम्पायर। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया से है। नेशनलिज्म इन इंडिया में 1918 से 19 में क्रॉप फेल्ड हो गया। 1915 में जो है महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से जनवरी में। 1919 में जलियांवाला बाग मैस्क्री टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हैपेंड हुआ था। नेक्स्ट जो है खिलाफत कमेटी का फॉर्म किया गया 1919 मार्च में, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म। 1909 में जो है हिंद स्वराज रिटेन बाय गांधी जी वाज पब्लिश। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, हु रोट द बुक हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसने लिखा था, गांधी जी 1909 में। ये सब सारा एक एक लाइन जो है आप अपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। 1923 में नॉन कॉपरेशन मोमेंट लॉन्च हुआ था। 1923 में क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मोमेंट लॉन्च। 1927 में फिक्की फॉर्म हुआ था, फिक्की वाज फॉर्म्ड ऑन 1927। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन अराइव्ड। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 में। 1929 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में जो है 13 मार्च को 1930 में गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। 13 मार्च को 1930 में गांधी जी ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया था। 1931 में जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1929 में, और 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जो है 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, 1931 में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स है इस चैप्टर का, ग्लोबल वर्ल्ड का, मेकिंग एक ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें 1890 में यूएस बिकम कॉलोनियल पावर कब, 1819 में ही कैटल प्लेग्यू एंड रिंडरपेस्ट इन अफ्रीका। 1800 में जो है इंडियन कॉटन डिक्लाइन के 15% कब किया था, 1800 में। फिर 1829 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। 1829 में क्या हुआ था,
1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसमें क्रॉप का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, क्रॉप्स का नहीं क्लॉथ्स का, सॉरी क्लॉथ्स का, 1920 क्रॉप्स का भी और क्लॉथ्स का भी, क्रॉप फेल्ड हो गए थे, क्लॉथ का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा घट गया था। प्राइस ऑफ व्हीट फेल्ड बाई 15% कब, 1928 में। 1944 में बटन वुड कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, बटन वुड कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस। उसके बाद जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से 1854 में इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप, 1730 में इंग्लैंड द इजिएस्ट फैक्ट्री वाज सेटअप। इस तरह से आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड रॉ मटेरियल वाज इम्पोर्टेड बाय ब्रिटेन। 1840 में एक्सपेंशन ऑफ कॉटन इन इंग्लैंड। नेक्स्ट जो होता है 1860 में एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंग्लैंड। 1764 में स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड, स्पाइनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड। 1750 में ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंडियन मर्चेंट नेटवर्क। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 1855 में जो है बंगाल में फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड। 1737 में फ्लाइंग शटल इन्वेंटेड। 1779 में इन्वेंशन ऑफ म्यूल्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 594 में बुक्स इन चाइना वेयर प्रिंटेड बाय रबर, सबसे पहले रबर से बुक्स इन चाइना प्रिंट किया गया 554 में। 868 में बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र वाज प्रिंटेड, फर्स्ट बुक जो था डायमंड सूत्र 868 में प्रिंट हुआ था। 1448 में गुटेनबर्ग पब्लिश्ड बाइबल, बाइबल कब पब्लिश किया था गुटेनबर्ग ने, 1448 में। 1517 में 95 थेसिस रिटेन बाय मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर 1517 में 95 थेसिस लिखे थे। 1558 में चर्च मेंशन्ड इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेंट बुक्स। 1812 में ट्रेडिशनल फॉक टेल्स वेयर कंपाइल्ड। 1760 में जेम्स अगस्टस हिक्की बिगेन टू एडिट द बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट कितना आया था 1780 में। 1821 में संवाद कौमुड़ी वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन। 1868 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पेश। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।